फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंटरटेनमेंट बंटा। स्वागत करते हैं हम आपका। तो आज है 15 जून और सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम अभी जो है मोतिहारी ज़िला में हैं और कुछ काम से आए थे, लेकिन एक मेरा दोस्त मिला है जो आज से 10 साल पहले मिले थे 2012 में, और वो भी दिसंबर का महीना था और वो दोस्त से मिलाना चाहते हैं और वो दोस्त हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम दोनों दोस्त ने बहुत सारे इजाज़त को लेकर सुबह में टहलने जा रहे हैं। ये मोतिहारी का शहर है, मोतिहारी ओवरब्रिज, बलुआ ओवरब्रिज है, जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ टहलने का आनंद उठा रहे हैं। जिंदगी की शुरुआत हम सभी की जब हम जगते हैं सुबह में तो हमारी शुरू होती है। इसमें सबसे पहला काम होना चाहिए टहलना। शरीर अगर आपका स्वस्थ है तो हम निरोग रह सकते हैं और हम अपने सभी कामों को अच्छे ढंग से पूर्ण करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग में, तो दोस्तों मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ। मैंने मोतिहारी में 2012 में आया था और ये जो ब्रिज पे, जिस ब्रिज पे हम चल रहे हैं, वो 2015 से स्टार्ट हुआ था और ये अभी भी इतना अच्छा। हम बैक कैमरा खोल के आप लोग का इसका डिज़ाइन बताते हैं, आप लोग वीडियो में लगे रहिए। तो ये है दोस्तों मोतिहारी का ओवर ब्रिज, जो मात्र एक ही ब्रिज है और ये बहुत आजकल लोगों के नज़र में अच्छा लगता है कि इस जो है शहर का डेवलपमेंट हो रहा है। और ये आपको नीचे दुकान सब है, अभी सुबह का टाइम है, सब दुकानें बंद है। और ये ब्रिज का जो है 3 रास्ते हैं, एक जो है इधर जाती है रेलवे, सॉरी कचहरी पे कोर्ट के तरफ, और एक जो है जाती है हॉस्पिटल के तरफ, और एक रास्ता जो है जाती है चांदमारी की तरफ। इस तरीके से इसका तिरनुमा शेप है, जैसा कि आप देख सकते हो। और गाड़ियां भी इस पे चलती है। ब्रिज के नीचे रेलवे लाइन है, जैसा कि ट्रेन आ रहा है, आप लोग ये भी दृश्य देख सकते हैं ट्रेन आ रही है, सॉरी। तो दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम जिस शहर में हैं मोतिहारी, हमने यहाँ पे ज़्यादा नहीं 8-10 साल से इस शहर को जानते हैं, लेकिन जो हमारे दोस्त हैं बचपन इनका यहीं पे गुजरा हुआ है, इनको इन शहर के बारे में बारीकी से मालूम है। और ये हमारे दोस्त जो हैं मोतिहारी का इतिहास बताएंगे, और वो भी जुबानी। तो सर आइए, आपके स्वागत है, वेलकम, बताइए। दोस्तों मोतिहारी के इतिहास की बात करें, जितना कहे उतना कम है। मोतिहारी बिहार के एक छोटे से ज़िले यानी कि चंपारण ज़िले से प्रसिद्ध है। चंपारण ज़िला पहले एक ही होता था, आज 2 ज़िलों में इसको तब्दील कर दिया गया, यानी 2 ज़िलों में इसके बंटवारा हो चुकी है। पहला है पूर्वी चंपारण और दूसरा है पश्चिमी चंपारण। इन दोनों ज़िलों की खासियत यही थी कि ये एक ही ज़िला थी जिसको चंपारण बोला जाता था। चंपारण नाम सबसे पहले यहाँ एक प्रसिद्ध फूल हुआ करती थी, चंपा की फूल, जिसके कारण जो है यहाँ के लोगों के द्वारा यहाँ नाम चंपारण रखा गया। यहाँ के राजा रहते थे, जिसके कारण उन्होंने बहुत सारे दिन तक यहाँ शासन किया,
धीरे धीरे यहाँ जब अंग्रेज का शासन हुआ यहाँ पर सबसे बड़ी प्रसिद्धि मिली तब जब अंग्रेज यहाँ आए और उसके बाद यहाँ शासन करना शुरू किया। और इस जगह पर चंपारण के इस महान धरती पर तीन कठिया प्रणाली उन्होंने लागू किया था जिस समय नील की खेती होती थी। तो उस समय से प्रचलित यह चंपारण सबसे अधिक प्रसिद्ध है जिस समय यहाँ पर अंग्रेज के द्वारा तीन कठिया प्रणाली लागू की गई थी जिसमें यहाँ के खेतों पर नील की खेती होती थी जिसके कारण जो है यहाँ की खेत जो है बंजर पड़ जाती थी और अंग्रेजों के द्वारा यहाँ ज़बरदस्ती यहाँ नील की खेती कराई जाती है। किसी भी किसान के लिए यह एक बड़ी चुनौती थी जिसके कारण जो है अनाज की उपज यहाँ कम होती थी और नील की खेती अधिक होने से पैदावार भी कम होती थी, खेतों की उर्वरक क्षमता कम हो जाती थी, जिसके कारण गांधी जी ने 1917 ईस्वी में यहाँ राजकुमार शुक्ला जी के द्वारा आग्रह पर बत्तख मियाँ के द्वारा यहाँ पर उन्होंने आने का प्रयास किया और यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ। 1917 में तीनकठिया प्रणाली को ख़त्म किया गया। यानी कि तीनकठिया प्रणाली आपको बता दें कि किसान के पास जो खेत रहते थे उनको उस ज़मीन पर 3 कट्ठा कम से कम जो है खेती करना पड़ता, यानी 3/4:2 माना जाए तो 4 कट्ठा में 3 कट्ठा खेत जो है नील की खेती करनी पड़ती थी और 1 कट्ठा खेत में उनको फसल उपजाना पड़ता था। तो यह पद्धति जो है काफ़ी अच्छी नहीं थी, अंग्रेज़ों के लिए काफ़ी अच्छी थी लेकिन हमारे लिए अच्छी नहीं थी, जिसके एवज में गांधी जी को बुलाना पड़ा और उसके बाद में यहाँ से आंदोलन शुरू हुआ चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। मोतिहारी की प्रसिद्धि आपको बता देते, यहाँ मोती झील है, उसके बाद में यहाँ चंद्रहिया बापूधाम आश्रम है, उसके बाद में मोतिहारी यानी कि चंपारण इसको पूर्वी चंपारण रखा गया और बेतिया जो मुख्यालय है पश्चिमी चंपारण का, वहाँ से कुछ दूर जो है वाल्मीकि नगर है जो कि एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क भी है जहाँ पर आपको बाघों की संख्या अधिक मिलेगी और कुल मिला के वहाँ वनों की जो क्षेत्रफल है काफ़ी अच्छी है और ये सारे जगह जो है आपको टूरिस्ट के लिए यहाँ लुभान्वित करती है और यहाँ पर लोगों को आकर्षित करती है चंपारण की धरती। चंपारण की धरती एक और फेमस है, चंपारण की धरती पर अहुना मटन जिसका स्वाद आप लोगों ने लिया होगा, हमारे दोस्त ने भी लिए हैं और मैं आग्रह करूँगा आप सभी से कि कभी आप चंपारण की धरती पर आएँ तो अहुना मटन का स्वाद ज़रूर चखें। और भी सारी जगहें हैं चंपारण की धरती पर जो आप घूम सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी जीवन में उससे कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि जितना बताया जाए उतना कम है। और आगे की बात अब मेरे दोस्त के द्वारा आपको बताई जाएगी। धन्यवाद। तो दोस्तों कुछ हम भी बता देते हैं जो मतलब जहाँ जहाँ हम घूमे हैं, तो हम तो इतनी बारीकी से तो जो है तो सर कितना नहीं जानते हैं क्योंकि ये जो है एक टीचर भी हैं, इनका खुद का एक कोचिंग क्लास है, लेकिन हमारे पास जो है हम पढ़ाई में उतना अग्रसर नहीं है लेकिन हम जो प्रैक्टिकली घूमे हैं वो चीज़ मालूम है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा चीज़ है एक गांधी मैदान है जो बहुत बड़ा फील्ड है, एक जो है पुराना सा हवाई अड्डा है और ये ओवरब्रिज है और एक जो है बड़ा सा हॉस्पिटल है जिसका नाम है मोतिहारी सदर हॉस्पिटल। और यहाँ पे फेमस जो है सबसे फेमस जो है यहाँ का रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है बापूधाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन, जहाँ से मतलब हर जगह की ट्रेनें मिलती है, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, यहाँ से हर जगह की ट्रेनें मिलती है। तो दोस्तों हम इतना ही बोलते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत, और इसी तरह से आप लोग का प्यार मिलता जाए और लाइक सब्सक्राइब भी मिलता जाए। थैंक यू।